अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेले की एक नई सब्जी। बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी सब्जी तैयार होती है। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है और एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में हमारी टेस्टी सी सब्जी तैयार हो जाती है। हम यहाँ पर देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर लिया है 300 ग्राम के करीब करेला। करेले को हमने छील कर अच्छे से धुल लिया है। करेले को हमें अच्छे से छील लेना है, उसका हरा हरा हिस्सा नहीं रहने देना है। जैसा कि दिख रहा है आपको, ऐसे ही छीलना है, हरा नहीं रहने देना है, नहीं तो करेले कड़वे लगेंगे। और करेले को हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। यहाँ पर हम लेंगे दो प्याज। यहाँ पे हमने ले ली है दो प्याज, एक छोटी एक बड़ी। आप चाहें तो प्याज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच ले लेना है हमें सौंफ। आप करेले को कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेले को बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमें करेले को एकदम बारीक बारीक कट करना है। हमें करेले को एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है। हम करेले को बिगर पानी का बनाएंगे, इसलिए थोड़ा बनने में टाइम लगता है। जितना हो सके आप बारीक कट करें। देखिए, हमने एकदम बारीक बारीक करेले को कट कर लिया है। इसकी बीज वगैरह जो थी वो भी निकाल देना है हमें। इसमें बीज नहीं पकाना है, जो एकदम नरम सी बीज होती है वो रख सकते हैं। बाकी जो कड़क वाली बीज है उसे हमें निकाल देना है। देखिए, हमने जो कड़क वाली सारी की सारी बीजें जो हैं वो निकाल दी है। हमें करेले में बीज बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो एकदम नरम वाली बीज होती है, जो हाथ से दबाने से ही टूट जाती है, वो बीज रहने दें। बाकी जितने भी कड़क वाली बीज हों आप निकाल लें करेलों में से। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। हमने यहाँ पर आपको बीज निकाल कर दिखा दिया, ऐसे ही बीज निकाल लें। यहाँ पर हमने प्याज को मोटा मोटा कट कर लेना है, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि करेले पकने में टाइम लगते हैं। जब तक का हमारे करेले पकेंगे हमारी प्याज भी पक जाएगी। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें डाल देंगे हमने जो 1/2 छोटा चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच कलौंजी लिए थे, डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। हमने प्याज को मोटे मोटे इसलिए काटे हैं ताकि हमारी प्याज करेले के साथ अच्छे से पक जाए। प्याज को चला लेना है। अगर हम प्याज को बारीक काटेंगे तो प्याज जल जाएगी, करेले के साथ नहीं पकेगी, इसलिए मोटा ही काटें। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो करेले बारीक बारीक काट कर रखे थे। करेले को बारीक ही काटें। अब चला लेना है हमें अपने करेले और प्याज को अच्छे से। आँच स्लो ही रखना है हमें, तेज़ आँच पर बिल्कुल भी नहीं पकाना है। एकदम स्लो आँच पर ढक कर हमें पकाना है इसे। हमने यहाँ पर अच्छे से चला लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए स्लो आँच पर पकने देंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है करेला पकने में, मगर बहुत ही टेस्टी सा और लाजवाब सा करेला तैयार होता है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़े थोड़े टाइम पे चलाने की मेहनत है। यहाँ पर हम 10 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे और अपने करेले को हम चला लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद हमारे करेला और प्याज का कलर चेंज हो चुका है। चला लेंगे हम अच्छे से। और हमें जब हम पकने के लिए रखेंगे तो तभी भी हमें बीच बीच में चलाते रहना है। देखिए, हमने यहाँ अपने सब्जी को चला लिया है। इसे हम ढककर वापस से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इस करेले की सब्जी को बनाने में सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम पे चलाने की मेहनत है, बाकी एकदम कम चीज़ों से एकदम टेस्टी सा हमारा सब्जी तैयार होता है। देखिए, हमने यहाँ पर 5 मिनट बाद वापस से ढक्कन हटा लिया है। इसे वापस से हमें चला लेना है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ी हमारी जो प्याज है पकना शुरू हो चुकी है, और करेले भी हमें और अच्छे से पकने देना है गोल्डन होने तक का। थोड़ा सा टाइम लगता है करेला पकने में, मगर बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार होती है। देखिए, हमने वापस से 5 मिनट बाद ढक कर पका लिया था। और फिर हम वापस से इसे चला लेंगे। ऐसे ही हमें 5-5 मिनट तक का ढक कर पकाना है और चलाते रहना है, जब तक हमारे करेले अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाते।
जैसे हरे हरे करेले दिख रहे हैं अभी, ये पके नहीं हैं, ऐसा ना पकाए नहीं तो करेले कड़वे लगेंगे। अच्छे से करेले को पकने दे। हमने 5 मिनट के लिए वापस से इसे ढककर पकने के लिए रख दिया था। देखिए हम यहाँ पर चला लेंगे अपने करेले को। आप देख सकते हैं हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। इसे हम और पकने देंगे। हमें प्याज और करेले दोनों को गोल्डन होने तक का पकने देना है। इसमें हमने पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाला है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और थोड़ी सी मेहनत लगती है चलाने में बस। हमें करेलों को अच्छे से गोल्डन होने देना है, जैसे कि हमारी प्याज हुई है वैसे ही। हमारे करेले नहीं पके, हम उसे बीच में कर देंगे और पकने देंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारे करेले अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी सी सब्ज़ी तैयार होती है। एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। हमने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, इसमें निकाल लेंगे अपने करेले को। और ये करेले खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, अच्छे से पके होने की वजह से कि हमने निकाल लिया है बर्तन में। देखिए आप देख सकते हैं हमारे करेले एकदम गोल्डन और प्याज भी हमारी गोल्डन है, जले बिल्कुल नहीं है, एकदम क्रिस्पी और करारे से हमारे सादे करेले की सब्ज़ी तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी तैयार होती है। तैयार है हमारी सादे करेले की सब्ज़ी, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, एकदम क्रिस्पी और करारे सी सादे करेले की सब्ज़ी तैयार है।